दौरान व्यापारियों को थोड़ी और छूट मिली है। प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर सामान्य दिनों की भांति ही दुकानें खुलेंगी और दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है। और यदि स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है तो दुकानें इसका अनुसरण पहले की भांति ही कर सकती है। तो प्रिया, और ज्यादा छूट मिल गई है, एक तरफ रियायतें बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं, अब किस तरह से इसका आकलन किया जाए? जी बिल्कुल, अनलॉक वन के दौरान अब व्यापारियों को जो है थोड़ी और छूट मिल रही है। पहले जो थे सप्ताह में 6 दिन बाजार खोलने की अनुमति थी, साथ ही रविवार को जो है टोटल बंद का जो ऐलान है वो किया गया था, लेकिन अब वो भी आदेश जो है वो वापस ले लिया गया। प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। प्रतिबंधित दुकानें जो कंटेनमेंट जोन में जो दुकानें हैं और जो भी जो दुकानें रेड जोन में है, जो कंटेनमेंट जोन में है, उसे छोड़कर सामान्य दिनों की भांति जो है सभी प्रकार की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। साथ ही सप्ताह में एक दिन बंद रखने के संबंध में जो शासन के द्वारा आदेश दिया गया था उसे भी वापस ले लिया गया है। स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश जो है वो घोषित किया गया था, लेकिन अब जो है अब दुकानों को पहले की तरह खोल सकेंगे। जैसे पहले रविवार को भी कुछ दुकानें जो है वो खोली जाती थी, तो इस तरीके से अब दुकान भी है वो पहले की भांति ही खुली रहेंगी। और जो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक की कर्फ्यू का ऐलान है वो जारी रहेगा। जी सुप्रिया, इससे पहले भी जो छूट दी गई थी उसमें भी सरकार की कुछ शर्तें थी, तो जो अब और ज्यादा छूट दी गई है क्या इसमें भी कुछ शर्तें लागू होंगी? जी बिल्कुल, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को ये शर्त जो है वो पालन करना होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही जो है बाजारों में प्रवेश करें, और व्यापारियों को भी जो है सैनिटाइजर और मास्क जो है मतलब की व्यवस्था करने की जो अनुमति है वो व्यवस्था करने की हिदायत दी जाती है। जैसे कि अगर कोई बाजार में दुकान के अंदर प्रवेश करता है किसी दुकान में, तो उसे पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया जाता है, और अगर वो मास्क नहीं लगाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाता। तो इस तरह की व्यवस्थाएं वो की जा रही है। जी सुप्रिया, एक और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुलने के बाद अब गिरजाघर भी खुलेंगे, और प्रशासन के आदेश के बाद भी गिरजाघरों में ऑनलाइन आराधना का फैसला लिया गया था। मसीही समाज के सभी पादरियों के संगठन